हाय मोहम्मद जुबेर। हाय सर, कैसे हैं भाई आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ यार। तैयारी कैसे चल रही है भाई? सर सही चल रही है, तैयारी बढ़िया चल रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहाँ से हो? जी सर, मैं बरेली। बरेली यूपी से है? जी जी सर। बहुत बढ़िया। घर पे हो अभी? जी सर, घर पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक मिनट रुको, और दो तीन बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा मोहम्मद जुबेर जी, कौन सा ड्रॉप है आपका? सर मेरा पहला ही ड्रॉप है। पहले ड्रॉप है? लास्ट ईयर नीट दिया था? जी नहीं सर, दिया नहीं सर, पहली बार ही है। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? ठीक है ठीक है। और डीपीपी वगैरह सॉल्व करते हैं, नोट्स बना पाते हैं? सर नोट सारे बनाता हूँ, डीपीपी सर रह जाती है। डीपीपी रह जाती है बीच बीच में? जी सर। कोशिश करो यार डीपीपी सॉल्व मतलब करना उतना ही जरूरी है जितना क्लास लेना है ना। क्वेश्चन करेंगे, पता चलेगा कहाँ गलती हो रही है, उसको अच्छा करेंगे तभी टेस्ट दे पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे थोड़ा इंप्रूवमेंट होगी एंड सो ऑन। ऐसा साइकिल है मतलब ना, आप उसको मिस नहीं कर सकते बीच में कहीं पे किसी भी छोटी चीज को। ठीक है। कितने घंटे पढ़ते हैं क्लास के बाद? पहली क्लास के बाद में 10 घंटे पढ़ते। क्लास के बाद 10 घंटे? जी सर। यार बात है यार, मतलब तो सुबह 4 बजे सो रहे हो क्या? जी सर, 4 बजे उठता हूँ, 4 से 8 पढ़ता हूँ। 4 से 8 पढ़ते हैं? और रात को कब तक पढ़ते हैं? अभी जैसे 4 बजे क्लास खत्म। रात में सर आपने बताया था, ऐसे आपने बताया था 5 से 8, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेके 9 से 12 बजे तक तो सोते सिर्फ 3-4 घंटे हैं। जी सर। चलिए थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखिए भाई, है ना, ये ना हो कि एग्जाम जैसे जैसे पास आए आपका तबियत खराब हो जाए। ठीक है, तो मेक श्योर अबाउट दैट। ठीक है, ऑल द बेस्ट जुबेर। ठीक है, भगवान करे आपकी मेहनत जो है वो रंग लाए और हम सब मिले आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन में। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, बाय, वेलकम। अनुष्का आवाज आ रही है आपको? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है अनुष्का? यस सर। कहाँ से अनुष्का? लखनऊ से सर। अच्छा लखनऊ से है? अरे बोले, हमारे एक परम मित्र आपके ही सिटी में है, आप जानती भी होंगी शायद, सतीश मिश्रा सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो भी है पीडब्ल्यू। मैंने सुना नहीं है। हाँ, वो आजकल थोड़ा ऑफलाइन वगैरह को देख रहे हैं इसी कारण, नहीं तो अदरवाइज इज वेरी गुड टीचर एंड ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा मैं भी रहा हूँ वैसे लखनऊ में, बताऊ मैं आपको। अच्छा, स्कूल तो मेरे मामा जी मिलिट्री में थे, तो आई वेंट देयर फॉर कैंट, है ना वहाँ पे लखनऊ कैंट? तो वहां पर रहे हम मिलिट्री एरिया में, बहुत शानदार जगह, मैंने तो जो एरिया देखा था वहीं का देखा, बहुत 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 अच्छा जगह है। ठीक है, आई एम वेरी डिसिप्लिन काफी उस जगह पे सर। हाँ, उस समय तो बहुत ग्रीनरी भी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी भी है उधर ग्रीनरी वगैरह काफी। यस सर। अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 30 साल 1990s के शुरू में, बहुत शानदार। हाँ ठीक है, और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, ऑर्गेनिक समझ आ रही है? यस सर, समझ आती है। बस सर कभी कभी होता है कि जब रिवाइज नहीं कर पाते, कुछ दिन हो जाता है सर रिवाइज नहीं कर पाते तो नहीं समझ आता बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब फिर रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए हमें, यही मतलब हुआ? यस सर। है ना, तो थोड़ा थोड़ा और अच्छे तरीके से रिवाइज करोगी, थोड़ा और अच्छा करते जाओगी। कितने घंटे पढ़ रहे हो? सर अगर मतलब मैं पूरा कंसंट्रेशन के साथ बात करूं तो मैं 5 आवर्स मैक्सिमम। थोड़ा सा और पुश मारो। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करोगी उसको पुरानी रिवीजन में थोड़ा डालो, और थोड़ा अगर यहाँ पे करंट रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उस पे डालो। ठीक है, देखना धीरे धीरे चीजें और स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। ठीक है, यस सर। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे जल्दी ही रिजल्ट सेलिब्रेशन में। थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर। हाँ गुलशन जी, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं तो देखो बचपन से ही मस्त हूँ मैं तो। जी सर। और सुनाओ कहाँ से हो? सर यूपी बाराबंकी। यूपी बाराबंकी सर, लखनऊ के थोड़ा सा पास में ही है यूपी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 41। ठीक है ठीक है ठीक है। तैयारी कैसे चल रही है? सर अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक समझ आ रही है? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। सर पहले तो मुझे केमिस्ट्री इतना मतलब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से आपसे पढ़ने लगे हैं सर समझ भी आ रहा, कर भी ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के आपसे। टाइम चलना शुरू हो गया बेसिकली है? यस सर।
रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं चीजों में। जैसे आज मैंने एक बेंजीन वाला क्वेश्चन दिया था, तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था बट किसी और फॉर्म में किया, तो दिमाग चल पा रहा है कि ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। फिर तो है ना, बस यही चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट दैट, कि आपका कॉन्सेप्ट रिलेशन आ जाए, ठीक है। और रिवाइज किया पुराना सब कुछ? यस सर, बस जीओसी में थोड़ा सा दो तीन टॉपिक का सब उसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, बाकी तो सब सही चल रहा है। क्योंकि वो इनिशियल है ना, अभी जीओसी जैसे खत्म हुआ है, ठीक है, तो एक दो बार और रिवीजन करोगी तो चीजें और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। जीओसी में प्रैक्टिस अच्छी करो, मतलब कि हमारी जो इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज है उसको यूज करो, जीओसी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जीओसी इज वन ऑफ देम, ठीक है। मतलब उसमें प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा शाइन करोगे, ठीक है। और कौन सा ड्रॉप है आपका? सर फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा ये। फर्स्ट टाइम, नीट दिया भी नहीं था लास्ट ईयर? सर नहीं दिया, पहली बार देंगे। ठीक है, टेस्ट में रेगुलरिटी मेंटेन कर रखी है? यस सर। सर पिछला टेस्ट नहीं दे पाए थे क्योंकि सर तबियत नहीं ठीक थी उस दिन मेरी, बाकी तो सर सारे टेस्ट दे रहे हैं, इस संडे को उसको भी दे देंगे। शुरू से लेके अभी तक? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर 580-590 जा रहा है अभी। नहीं अच्छा है, मेंटेन सर करो। थोड़ा फिजिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो कर रहे हैं, बस थोड़ा फिजिक्स से। जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है ना उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए प्रिपरेशन के टाइम, टू बी फ्रैंक, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि हमारा जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाता है ना हम उसको ज्यादा पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अरे भाई जो जिसमें तुम्हारे ऑलरेडी मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, उसमें तुम्हारी इतनी तैयारी हो चुकी है, ऐसे अज्यूम कर रहा हूं मैं, जिसमें 160 मार्क्स आ जाने हैं तुम्हारे, अब उसमें ना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत कम है, सिर्फ 20 नंबर का, यानी कि 5 ही क्वेश्चन और सही कर सकते हो। और मान लेते हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी तैयारी अच्छी नहीं है और ऑलरेडी सिर्फ 80 मार्क्स या 70 मार्क्स तक की प्रिपरेशन है हमारी, ठीक है, उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मोर देन 100 मार्क्स का, अगर 70 से कंपेयर करूं मैं तो, ठीक है। तो आप सोचो कि जहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा है ना वहां पर थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है। हमें कभी भी ना किसी भी सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी प्यार नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं, मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, ना, ये एग्जाम है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तब जो आपका मन करता है आप करिए, ठीक है। राइट नाउ इम्पार्शियलिटी रखिए, कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तब भी उसे पढ़ना है, उतना ही टाइम पढ़ना है, इवन ज्यादा पढ़ना है उसे, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट सब्जेक्ट और चैप्टर जो मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो थोड़ी इम्पार्शियलिटी रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। सर एक आपको थैंक यू भी बोलना था एक चीज के लिए। बताइए बताइए सर। वो ये जब से मतलब आपकी क्लास लेनी स्टार्ट की है सर, डिसिप्लिन तो सर ऐसे मतलब बूस्ट हुआ है कि सर मुझे बहुत ज्यादा इस बात के लिए सर थैंक यू बोलना था आपको। डिसिप्लिन हुआ है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात पे कि हमारी क्लास की जो चैट है वो मिनिमम रेट पे चलती है, मिनिमम रेट पे, ठीक है। एंड मैक्सिमम मतलब कि आप देखेंगे बहुत कम स्पैमर्स वगैरह होते हैं, कोई एक आध आ गया दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। तो ये बड़ी अचीवमेंट है आपकी और हमारी मिलके, ठीक है, आई वुड से सो, ठीक है। कि आज भी एक बच्चा लिख रहा था, मैंने कमेंट उसका रीड कर लिया, बोला नहीं मैंने, उसने पता क्या लिखा था, यार इन सर की क्लास में कोई चैटिंग नहीं करता। मैंने पढ़ा था वो कमेंट, मैंने चुप रहा, ठीक है। सो दैट शोज के हम लोग एक सही पाथ पे हैं, ठीक है, आप सब लोग भी इसमें कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय, ठीक है। यस सर। चलिए फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक है।